कबाड़ी वाला कबाड़ी, अरे रुको, इसे कबाड़े में मत मत फेंको। क्यों? क्योंकि ये खराब हो चुका है, लेकिन हम इसे बिल्कुल चालू कर देंगे नया, वो भी लगातार 10 घंटे तक नॉनस्टॉप चलने वाला लैंप, जो कि बच्चों के स्टडी में भी आता है और आपके काम में भी। तो इसे मत फेंकिए, लेकिन हम इसे दुरुस्त करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। जो कि वायर है, ये वायर USB केबल है और ये चार्जिंग प्लग में भी यूज़ होता है, तो अपने पास तो एक्स्ट्रा पड़ा ही रहता है। अगर नहीं हो तो ये सिर्फ मार्केट से 10 रुपए का मिलता है, ये लेके आना। और इससे हम पावर बैंक पे भी चालू कर सकते हैं और इससे हम मोबाइल पे भी चालू कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से। और ये मतलब 2 घंटे या फिर 3 घंटे के लिए नहीं, पूरे 15 या फिर 10 घंटे के लिए नॉनस्टॉप चलेगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। आपके हर काम में होगी बिल्कुल ही तैयारी और ये नहीं रुकने देगा आपको कोई भी काम, चाहे स्टडी हो या फिर कोई अदर वर्क। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, और आपको तो बताइए, आपके लिए नए नए कंटेंट लाता रहता हूँ और आपको इससे नॉलेज भी मिलती है और एक आपका जो एंटरटेनमेंट होता है वो भी हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं, इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट कर देना कि अगला एक्सपेरिमेंट आप किस पर करें। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी तरह से ओपन करना पड़ता है सबसे पहले। ये पूरा निकल चुका है, हमने 6-7 स्क्रू निकाल दिए और ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से खुलेगा। सबसे पहले आपको ये निकालना है और इसे साइड में रख देना है, और ये देख सकते हैं हमने इसे ओपन तो कर दिया है। देख सकते हैं इसके अंदर का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, ये देख सकते हैं। ये इसका सारा के लिए बैटरी पे रहता है, ये जो बैटरी है ये जा चुकी है, ये अभी किसी काम की नहीं, ये रीयूजेबल नहीं रहती, इसे डायरेक्ट अपने को दे देना पड़ता है। इसकी वजह से हम यह देख सकते हैं, ये पावर है ना, ये लो और हाई ये दोनों तरफ कर सकते हैं। इसके कारण आपको लाइट जैसा होना वैसा चलेगा। अगर आप लो पे रखोगे तो ये 15 घंटे तक चलेगा, और अगर आप हाई पे रखोगे तो पता ही है आपको 10 घंटे तक तो चल ही जाएगा भाई बिना रुके। तो आइए शुरू करते हैं। हमें ये निकालना पड़ेगा, और ये बैटरी जो है, ये वायर हमारे को निकालना पड़ेगा, और ये बैटरी जो है ये पूरी तरह से जा चुकी है। और ये वायर देख सकते हैं, ये इन दोनों वायरों को या दोनों वायरों से कनेक्ट करके लगाना होगा, जिससे हमारी बैटरी चालू हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये बैटरी जो है ये साइड में निकाल चुकी है, इसका वायर कनेक्शन कट कर दिया है ताकि ये अब चालू हो सके। और देख सकते हैं ये वायर्स जो कि हमने लगाए थे, और ये वायर जो रेड वाला वायर रहता है वो इससे कनेक्ट कर देंगे, और ये इससे, और देख सकते हैं ये जैसे ही कनेक्ट हो जाए ये होगी चालू। ये देख सकते हैं इसके बटन चालू कर देना है, इसे लगाना है ऐसे, और देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट करेंगे ये हो जाएगा चालू। और आपके लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है भाई, लाइक तो बनता है इस बात पे। और देख सकते हैं ये जो लाइट है ये चालू हो चुकी है, और इसे हमने किया डायरेक्ट पे, और ये देख सकते हैं इसकी पावर जो है ये लो भी हो चुकी है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोर्ट है, हम इसके अंदर से ये छोटी सी वायर है ये निकाल लेंगे। देख सकते हैं ये जैसी वायर हम निकालेंगे ये हो चुका है फिक्स, और यहाँ पे हम इस वायर को कर देंगे असेंबल, जो कि आपके सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा। तो ये जो वायर है हम इसे लगा देंगे स्टेप, जिसके कारण ये बाहर ना निकले, मतलब अच्छी तरह से रह सकेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बाद में। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वायर दोनों असेंबल कर दिए और यहाँ पे भी लगा दिया है, ताकि ये देख सकते हैं जैसे खींचोगे ये बाहर नहीं जाएगा और ये परफेक्ट लग चुका है। तो आइए देख सकते हैं हम यहाँ पे इसे लगा देंगे, फिक्स कर देंगे पूरा। जैसे ही फिक्स हो जाएगा ये यूज़ में आ जाएगा अपने, और फिर तो बवाली हो जाएगा, आपको तो पता ही है भाई। तो गाइस देख सकते हैं ये हमने लगा दिया है, स्क्रू भी टाइट कर दिए, और ये देख सकते हैं ये बचा है लास्ट, तो हम इसे लगा देंगे इस तरह से, और ये देख सकते हैं ये हो गए चालू, ये हाई लो ऑफ, ये हो सकता है इस तरह से। और देख सकते हैं आज हम बताने वाले हैं आपको, ये रख देंगे साइड में थोड़ा। तो गाइस देख सकते हैं हमने इसे पूरी तरह से असेंबल कर दिया है, और देख सकते हैं ये वायर को कट भी करना नहीं पड़ा, और ये बाहर भी नहीं निकलेगा अभी, जो कि हमने फिक्स कर दिया है। और ये देख सकते पूरी तरह से ये न्यू लग रहा है, कहीं से भी पता भी नहीं चल रहा है किसी को कि इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये किस तरह मॉडिफाई हो चुका है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हम करने वाले इसे स्टार्ट, और ये देख सकते हैं ये सबसे पहले लगाएंगे हम पावर बैंक पे, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगा। और देख सकते हैं हमने ये लाइट जो है ऑफ कर दिया है, और इसे डाल दिया है लो मोड पे। लो मोड पे ये इतनी एनर्जी बताएगा आपको, और जैसे ही इस पे हाई कर देंगे तो देख सकते हैं किस तरह से ये हाई हो चुका है, और देख सकते हैं किस तरह से ये हमें उजेड़ दे रहा है, जो कि लाइट दे रहा है। और देख सकते हैं ये लो, देख सकते हैं पावर कम हो चुकी है, और ये हाई, क्या बात है भाई, क्या बना दिया हमने। तो देख सकते हैं आपके लिए छोटा सा जुगाड़ है, आप ट्राई कीजिए। और हम अब चलाने वाले इसे, ये कर दिया बंद, और हम चलाने वाले इसे मोबाइल पे, जो कि ये देख सकते हैं OTG, अपने घर पे तो रहता ही है,
पर इसे देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देना चाहिए, देख सकते हैं। ये आपके पास टाइप सी का भी हम रख सकते हैं, और इसे हम टाइप सी के साथ सादा जो रहता है माइक्रो पावर चिप वो भी लगा सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे हमने जैसे ही कनेक्ट कर दिया है, तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल में, किसी मोबाइल में OTG सेटिंग में जो रहता है OTG कनेक्शन वो चालू करना पड़ता है, कोई कोई डायरेक्ट रहता है, और ये जो OTG कनेक्शन रहता है ये रहता है एडिशनल सेटिंग में, जो कि सेटिंग में रहता है एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ता है और वहाँ से OTG कनेक्शन आता है। जैसे इसे ऑन कर दिया, देख सकते हैं लाइट लग चुका है, और ये देख सकते हैं लाइट ऑफ, ये हो चुका है लो मोड पे, और ये हो चुका है हाई मोड पे। हमने मोबाइल से कर लिया कनेक्ट, पावर बैंक से भी कनेक्ट कर लिया, और अब बाहरी है चार्जर की। मान लीजिए कि आपके घर पे लाइन है लेकिन अपने को टेबल लैंप की ज़रूरत है, तो इस वक्त ऐसा करना चाहिए, ये देख सकते हैं ये चार्जर जो कि हमारे घर में रहता है, यहाँ पे सीधे से पिन लगा देनी है इसके अंदर, और इसे लगाना है प्लग में जैसे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने प्लग इन जो था कर लिया, और जैसे हम बटन दबाते हैं ये देख सकते हैं चालू हो चुका है। ये लैंप हम पढ़ाई के वक्त यूज़ कर सकते हैं, एक एडिशनल पॉइंट आपके लिए। तो देख सकते हैं ये आपके लिए, अगर आप नाइट में कैंपिंग पे हो और आपको ये लाइट बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, आपको सोना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ इसको छोटा सा है और इसको ये हाथ से डाउन कर दीजिए, और देख सकते हैं ये जो नाइट लैंप होगा ये कुछ इस तरह से दिखेगा और बहुत ही दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इसके कारण आप अच्छे से नींद भी ले सकते, अच्छे से नींद भी ले सकते, और इसका थोड़ा डिम लाइट हो जाएगा और दिखने में भी एक बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से हमारे नाइट में काम में आ जाएगा, और इससे हमारी नींद भी पूरी हो जाएगी और हमें थोड़ी सेफ्टी भी रहेगी। तो गाइज़ हमने तो आपको बता ही दिया इसकी सेटिंग कैसे रहने वाली है, और ये देख सकते हैं ये लैंप आपके बच्चों के स्टडी में, आपके घर की लाइट जा चुकी है, और इसे हम उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, और कहीं आप कैंपिंग या फिर कहीं पर घूमने गए ट्रिप पे तो इसका यूज़ हो सकता है। अगर शाम को आप फॉरेस्ट में गए तो लाइट नहीं रहती, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि 10 से 12 घंटे या फिर 15 घंटे जो कि बहुत देर तक चल सकता है, आपको तो कोई टेंशन नहीं होने वाली फिर, तो इसका यूज़ आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये मात्र थोड़े से पैसों में ये बहुत ही अच्छी तरह से लैंप बन चुका है, जो कि एकदम प्रोफेशनल लैंप की तरह लग रहा है। तो बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।